जय हिंद दोस्तों, मैं रोहित आसवान आप सभी का स्वागत करता हूँ इग्नू स्टडी सेंटर 2281 निर्माण कैंपस सोनाम में। दोस्तों, इसके पहले हमने 4 यूनिट हम देख चुके हैं। आज उसी यूनिट में हम EHI-4 कोर्स कोड जो अपना है उसकी यूनिट नंबर 10 डिस्कस यहाँ पे करने वाले हैं। इसके पहले हमने कल जो यूनिट डिस्कस की थी उसमें पुर्तगालियों का आगमन भारत में होता है और कैसे कैसे पुर्तगाली अपनी यहाँ पे बस्तियाँ स्थापित करते हैं, कारखाने स्थापित करते हैं, भारत में एक स्थायी अपना प्रशासन बनाते हैं। और उसके अलावा हमने यहाँ पे एशिया के व्यापार और इसमें मुगल जो स्रोत दे रखे थे उस पर चर्चा की थी। दोस्तों, इसके पहले 3 लेक्चर हो चुके हैं, अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखे हैं दोस्तों तो प्लीज़ आप इग्नू के निर्माण कैंपस साइट पर जाइए और आप एक बार वो लेक्चर देखिए, बहुत अच्छे अच्छे लेक्चर है दोस्तों, ठीक है। इग्नू आपके सामने सारे के सारे प्लेट मतलब कंप्लीट सिलेबस आपको करा रहा है, पॉलिटी का भी, साइंस का भी और अन्य जो सब्जेक्ट जो है करा रहा है। तो आप निर्माण कैंपस उस पर जाइए यूट्यूब चैनल पे और उसको सब्सक्राइब करके देखो रेगुलर कंटिन्यू में, है ना। तो आज का जो अपना टॉपिक है दोस्तों EHI-4 कोर्स कोड का यूनिट नंबर 10 में जो हम मुख्यतः डिस्कस करने वाले हैं उसमें विशेष तौर पे जो चर्चा की गई है वो शिवाजी या मराठा वार्ड के बारे में पूरी चर्चा की गई है कि भाई कैसे शिवाजी का जन्म कहाँ होता है और शिवाजी का फिर जन्म के बाद कैसे कैसे वो युद्ध लड़े जाते हैं और राज्याभिषेक कहाँ पर होता है शिवाजी का, है ना, कैसे हिंदू धर्म का पुनरुद्धार शिवाजी के द्वारा होता है, उत्तराधिकारियों के बारे में चर्चा की गई है कि भाई शिवाजी के कौन कौन से उत्तराधिकारी हुए, उनके समय की मुख्य घटना क्या थी, संभाजी के समय मुख्य घटना क्या घटी, राजा राम के समय में मुख्य घटना क्या घटी, और इसके बाद में साहू के समय में जब पेशवाओं का जो वर्ग एक आ जाता है, पेशवा शक्तिशाली हो जाते हैं और बोला जाता है भाई जब ये छत्रपति नाचीज हो जाती है और पेशवा शासन करते हैं, उनके बारे में यूनिट नंबर 10 में दोस्तों मुख्यतः दी गई है। और इसके बाद अंग्रेजों के साथ मराठों के क्या संबंध थे या मुगलों के साथ मराठों के क्या संबंध थे, पुर्तगालियों के साथ मराठों के क्या संबंध थे, दोस्तों आज की यूनिट नंबर 10 में आपके ये सभी पॉइंट रहने वाले हैं। तो हम उन सभी पॉइंटों पे चर्चा करेंगे दोस्तों जहां एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमेशा कन्फ्यूजन रहता है, उस चीज पे चर्चा करेंगे और बेसिक के तहत करते चलेंगे और कंप्लीट आपको कराएंगे, ठीक है दोस्तों। तो आप बने रहिए। तो आज देखते हैं सबसे पहले शिवाजी के बारे में। सबसे पहले तो ये बात पता होनी चाहिए कि हम बोलते हैं भाई मराठा वंश उत्पन्न कहाँ से होता है, कहाँ कब शक्तिशाली बनता है, किसके समय में, कौन इसका जन्मदाता है, कौन इसका स्वतंत्रकर्ता है मराठाओं का, किस वंश के बाद ये आता है, मतलब कि उस समय भारत में कौन शासन कर रहा था, है ना, कब उत्पन्न होता है मराठे, है ना। तो हमने आपको बताया था भाई उत्तरकालीन मुगलों के समय में, हालांकि ये तो औरंगजेब की बात है लेकिन उत्तरकालीन जो मुगल चलते हैं वो औरंगजेब के बाद की घटना है और ये जो मैं आज घटना करा रहा हूँ ये औरंगजेब के काल की है, क्योंकि औरंगजेब का काल भी मतलब अस्त व्यस्त काल हो गया था। दक्षिण में विद्रोह, उधर उत्तर में, तो विद्रोह को दबाने में, क्योंकि उसके 2 पुत्र भी विद्रोही थे औरंगजेब के, है ना। यहाँ पे मराठा वंश उत्पन्न होता है किसके द्वारा होता है, जो शिवाजी के जो फादर थे उनका नाम था शाहजी भोसले। क्या नाम था शिवाजी के फादर का? शाहजी भोसले। कुछ ये नाम है विशेष तौर पर आपको उनका याद रखना है, शाहजी भोसले। ये पहले अहमदनगर में मलिक अंबर की सेवा में थे। किसकी सेवा में थे? अहमदनगर में किसकी सेवा में थे? मलिक अंबर की सेवा में थे, है ना। इन्होंने ये जो पद था, उसके बाद जब 1627 में शिवाजी का जन्म होता है सिवनेर के दुर्ग में। शिवाजी का जन्म कब होता है? 1627 में। किसके दुर्ग में? सिवनेर के दुर्ग में। उस समय ये कहाँ पे थे? शाहजी भोसले इस शाहजहां की सेवा में भी चले गए थे। किसकी सेवा में? किस मुगल की सेवा में? शाहजहां की सेवा में चले गए थे। तो चर्चा जो होगी वो विशेष तौर पर शिवाजी के बारे में होगी, शिवाजी भोसले के बारे में। तो आपको पता होना चाहिए शिवाजी भोसले की माता का क्या नाम था। पिता का नाम हमने बताया कि शाहजी भोसले था, माता का नाम था जीजाबाई। क्या नाम था शिवाजी भोसले की माता का? जीजाबाई। अच्छा, शिवाजी मातृपक्ष की ओर से यादव था, मातृपक्ष की ओर से यादव था। यादव मतलब कि ये देवगिरी के यादव थे। कहाँ के यादव थे? देवगिरी के यादव थे जीजाबाई, है ना, उनकी वंशज थी। और ये जो शाहजी भोसले थे, ये हमने अलाउद्दीन खिलजी का, जब 13वीं सदी में हम 14वीं सदी में पढ़ रहे थे, तो उन्होंने जब चित्तौड़ पे आक्रमण किया था अलाउद्दीन खिलजी ने, तो वहाँ से वो जो वंश था सिसोदिया वंश, ये दक्षिण में चला जाता है और वहाँ पे इसकी नींव पड़ जाती है। तो ये किस वंश से संबंधित था? सिसोदिया वंश से संबंधित था। तो मातृपक्ष से ये यादव वंश से संबंधित था, पितृपक्ष से सिसोदिया वंश से संबंधित था। कौन? शिवाजी भोसले।
तो जब ये शाहजी भोसले दूसरी शादी कर लेता है, दूसरी पत्नी को ले आता है, उस पत्नी का नाम था तुका बाई। क्या नाम था दूसरी पत्नी का? शाहजी भोसले की, तुका बाई। तो इसका शिवाजी का लालन पालन कौन करता है? इसकी माता करती है, जीजाबाई। कौन करती है? जीजाबाई। बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति की, उच्च नैतिक प्रवृत्ति की ये महिला थी। बहुत अच्छे तरीके से लालन पालन करती है शिवाजी भोसले का, है ना। और उसको अच्छे मतलब कि सारे की सारी जो हिंदू धर्म का जो पुनरुद्धार के बारे में समझाती है, उसके गुरु होते हैं कोणदेव, है ना, कोणदेव नामदेव, है ना, तो वो उनको बताते हैं। तो शिवाजी से संबंधित सबसे पहले हमने बेसिक शिवाजी के बारे में देख लिया कि भाई माता कौन थी, पिता कौन था, है ना। और अब बात की जाए भी किसके समय में ये घटना घटती है, सारी की सारी जो शिवाजी के हम पढ़ते हैं, तो ये औरंगजेब के समय में। किसके समय में दोस्तों? औरंगजेब के समय में। क्या घटना घटती है औरंगजेब के समय में? औरंगजेब के समय में ही दो मुख्य घटना घटती है, एक अफजल खान का वध, एक शाइस्ता खान से संघर्ष। किसका? अफजल खान का वध करता है औरंगजेब, और दूसरा शाइस्ता खान से संघर्ष करता है। ये दोनों नाम आपको याद रखने हैं, अफजल खान का वध। ये अफजल खान किसकी तरफ से आया था लड़ने के लिए? ये आया था ना कि औरंगजेब की तरफ से, ये आया था बीजापुर के शासक की तरफ से, अफजल खान। अफजल खान और शाइस्ता खान, याद रखना इन दोनों नामों को। इनसे दोनों से संघर्ष होता है, किसका? शिवाजी का। तो ये बीजापुर की तरफ से आया था, ये मुगलों की तरफ से आया था। दोनों का वध करता है, ये बच जाता है, हालांकि ये मारा जाता है अफजल खान। ये बीजापुर की तरफ से आया था, और ये शेखी बघेरता था कि इस पहाड़ी चूहे को, शिवाजी को बोलता है कि इस पहाड़ी चूहे को तो मैं घोड़े से बिना उतारे ही मार दूंगा। लेकिन ये जब जाता है, इसके बारे में जो इसकी जो षड्यंत्र इसने रच रखा था, इसकी सूचना पहले ही कृष्ण जी पंडित द्वारा शिवाजी को मिल जाती है। तो शिवाजी ने एक जो अपनी सेना थी वो छिपाई रखी थी, और दूसरा उन्होंने अपने बखनग लिया हुआ था, हाथों में बखनग पहना हुआ था। और जैसे ही गले लगने के बहाने से अफजल खान ने तो गला लगने लगा और तलवार से आक्रमण करने लगा, तो उसने बखनग घोप दिया। किसने? शिवाजी ने। किसके? अफजल खान के। ये मारा जाता है, ठीक है। उसके बाद जो ये शाइस्ता खान के बारे में हम पढ़ते हैं, तो शाइस्ता खान जो औरंगजेब का मामा होता है, ये युद्ध करता है, और ये युद्ध करता है तो ये युद्ध करने से पहले जो अपनी वहां पे सेना जमाए हुए था, तो ये शिवाजी 200-400 सैनिकों के साथ एक बारात के रूप में निकलता है, और बरसात का मौसम था, तो बरसात के मौसम में तो ये जाता है, तो इसको सूचना मिल जाती है, तो भागता है, तो लेकिन इसका अंगूठा कट जाता है, ठीक है। तो शाइस्ता खान तो बच जाता है, लेकिन इसके बेटे और अन्य जो सैनिक थे वो मारे जाते हैं, ठीक है। इसके बाद जो तीसरा आक्रमण होता है शिवाजी के समय में, वो होता है किसका? जयसिंह का। किसका? जयसिंह का, मिर्जा राजा जयसिंह का। कब? 1665 में। 1665 में ही शिवाजी की एक संधि होती है जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। शिवाजी की कौन सी संधि है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है? पुरंदर की संधि। पुरंदर की संधि 1665 में संधि होती है। किसके साथ? मिर्जा राजा जयसिंह करता है, यहां इसको लाता है, और इसमें से जो किले थे 23 किलों में से 12 किले किनको देने पड़े? 35 किलों में से 23 किले इनको मुगलों को सौंपने पड़े, और 12 किले शिवाजी के पास बचते हैं। और इसके अलावा इसने वहां पे, जैसे ये आगरा में आता है, और आगरा में औरंगजेब इसको बंदी बना लेता है, और पहले बंदी बनाने से पहले इसके जो पुत्र था संभाजी भी साथ में आता है, तो संभाजी को ये मनसब देता है 5,000 का। तो ये इसको शिवाजी अपनी अपमान समझता है, और अपमान समझने के बाद ये जब जेल में डाल दिए जाते हैं, तो कुछ दिनों के बाद शिवाजी के द्वारा भाई मांग की गई कि भाई मैं गरीबों के लिए, है ना, कुछ दान करना चाहता हूँ डेली, मतलब कि कुछ दान करता था, टोकरी में जाता था। तो एक दिन इसी के बहाने अपने एक हम सकल भाई को बैठा देता है, मतलब अपनी जगह लिटा देता है, और अपने आप खुद और संभाजी को एक टोकरी में निकाल जाते हैं। तो वहां से निकल के शिवाजी कहाँ कहाँ पहुंचता है? पहले मथुरा पहुंचता है, और मथुरा से इधर प्रयाग होते हुए, काशी होते हुए, अपना क्षेत्र जो था मराठवाड़ के नाम से जाना जाता था। मराठवाड़ मतलब कि जो पश्चिमी भाग था, पश्चिमी भाग जो नीचे अरब सागर से लेकर उत्तर में सतपुड़ा पर्वत तक फैला हुआ था, जिसमें कोंकण का प्रदेश, खानदेश, है ना, और जो आद ये हैदराबाद वाला जो क्षेत्र था, ये भी उस समय मराठवाड़ में ही गिना जाता था, ठीक है दोस्तों।
तो वहां पे भाग जाता है। कौन? शिवाजी। कौन? शिवाजी भाग जाता है और फिर मुगलों के साथ युद्ध लड़ता है और कई सारे किले मुगलों के जो दक्षिण भारत में जीतता है। दक्षिण भारत में क्यों जीतता है? उस समय औरंगजेब अपने भाइयों से उत्तराधिकार के युद्ध में विचलित हुआ हुआ था और भाइयों के उत्तराधिकार के बाद भी दक्षिण में बीजापुर और गोलकुंडा कई सारी रियासत थी उनसे भी इनका युद्ध चल रहा था। क्योंकि हम जानते हैं कि बीजापुर और गोलकुंडा जो दो रियासत थी ना, तो दोनों रियासत किसके समय में शामिल होती है मुगलों में? वो होती है औरंगजेब के समय में। किसके समय में होती है दोस्तों? औरंगजेब के समय में। तो इन्होंने शिवाजी ने इस इतने ही समय में कई सारे दुर्गों पर अधिकार कर लिया, जैसे पन्हाला का दुर्ग, जिंजी का दुर्ग है ना, या फिर आप देखा सिंहगढ़ का किला। आपने एक मूवी देखी होगी, अभी मूवी आई थी एक कुछ समय पहले, तानाजी। कौन सी? तानाजी एक मूवी आई थी जो अजय देवगन उसका किरदार कर रहा था। तो सिंहगढ़ का किला तानाजी जीतते हैं। सिंहगढ़ का किला कौन जीतता है? तानाजी जीतता है और तानाजी मारा जाता है इसमें। तानाजी इसमें मारा जाता है। तो सिंहगढ़ का किला जो मुख्य किला होता है, कई सारे दुर्गों पे यहाँ पे ये कर लेता है। और 1674 में शिवाजी का राज्याभिषेक होता है। 1674 में कहाँ पे होता है शिवाजी का राज्याभिषेक? रायगढ़ में। शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ पे होता है दोस्तों? रायगढ़ में होता है। दो बार राज्याभिषेक होता है। क्यों? जब 1674 में 7 जून को राज्याभिषेक होता है, 10 दिन के बाद यानी कि 17 जून को इनकी माता जीजाबाई का देहांत हो जाता है और ये अपना राज्याभिषेक दोबारा सितंबर में दोबारा कराते हैं 1674 में। ठीक है, दो बार राज्याभिषेक होता है और इसके बाद ये 6 साल तक कई सारे युद्ध इन्होंने जीते और हिंदू धर्म को पुनरुद्धार इन्होंने किया। मतलब कि हिंदू धर्म के पुनरुद्धार भी इनको बोला जाता है ना। हिंदू पद पातशाही की उपाधि इन्होंने धारण की है ना, भगवान को इन्होंने फहराया कि इन्होंने शिवाजी ने। और 1678 में इनका जिंजी का किला जीतने वाले, मतलब आखिरी किला था इनका। अगर पूछे कि भाई आखिरी किला कौन सा था जो शिवाजी के द्वारा जीता गया, तो वो था जिंजी का किला। जिंजी का किला आखिरी है ना, कब? 1678 में। अगर बात पूछी जाए भाई शिवाजी के द्वारा विजय करने वाला पहला किला कौन सा था, तो पहला था तोरण का किला। तोरण का किला कब? 1646 में। ठीक है भाई, पहला आखिरी। ठीक है, ये दो किले आपको याद रखने हैं, तोरण का किला और जिंजी का किला। ठीक है भाई, और शिवाजी का पहाड़ी चूहे की उपाधि किसने दी थी शिवाजी को? शिवाजी को पहाड़ी चूहे की उपाधि किसने दी थी? तो औरंगजेब ने दी थी। शिवाजी को राजा की उपाधि किसने दी थी? तो औरंगजेब ने दी थी। ठीक है, इन उपाधियों का भी आपको नाम याद रखना है। तो इसकी माता का क्या नाम था? जीजाबाई था है ना। इसकी सौतेली माता कौन थी? जो पुतली, वो कौन था? तुकाबाई। क्या नाम था? तुकाबाई था। ठीक है, अब उत्तराधिकारी की बात आती है भाई, और शिवाजी के उत्तराधिकार कौन बनेगा, शिवाजी के बाद गद्दी पर कौन बैठेगा, ये आपको यहाँ से ऑर्डर में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होता होगा दोस्तों। आज इसको एक पिक्टोरियल उसमें समझते हैं कि इसके बाद उत्तराधिकारी कौन बनता है और कौन कब तक जो मतलब छत्रपति रहता है, इसको समझ लेते हैं। उसके बाद फिर हम इसमें देखेंगे कि भाई ये पेशवा कौन बनता है और पेशवा का क्रम क्या रहता है, क्योंकि पेशवाओं के क्रम में भी हम बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज दोस्तों रहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले छत्रपति का एक ऑर्डर समझ लेते हैं, छत्रपति के ऑर्डर समझ लेते हैं कि शिवाजी के बाद कौन बैठता है ना। तो आप सबने पता भाई, सबसे पहले था शाहजी भोसले। शाहजी भोसले था ना सबसे पहले। अब शाहजी भोसले के बाद अगर आपने ये ऑर्डर देख लिया ना दोस्तों, तो आपको फिर पिक्चर माइंड में ऐड हो जाएगी और कभी आप इसको मत भूल लेंगे है ना, शिवाजी भोसले। तो शिवाजी के बाद आपको याद रखना है, जब इनकी मृत्यु हो जाती है 1680 में, कब मृत्यु होती है? 1680 में। इसके बाद का ग्राफ देखो, इसके दो पुत्र होते हैं। कौन कौन से पुत्र होते हैं? एक होता है संभाजी और दूसरा पुत्र होता है राजाराम। राजाराम, ये दो पुत्र होते हैं है ना। ये संभाजी किसके पुत्र, किसकी संतान होती है, कौन सी पत्नी की संतान होती है? साईबाई। साईबाई की संतान थी और ये सोयराबाई। और एक जो तीसरी पत्नी थी शिवाजी की, वो सती हो जाती है, पुतलीबाई, वो सती हो जाती है। ठीक है, तो अब बात बनती है भाई, शिवाजी के बाद उसका उत्तराधिकारी राजाराम था या संभाजी था? शिवाजी चाहता था भाई उसका उत्तराधिकारी राजाराम बने, इसको घोषित करके गया था। लेकिन संभाजी जो उस समय पन्हाला के दुर्ग में कैद था, जो किले में कैद था, इन्होंने क्या किया, इसकी माता सोहराबाई को और राजाराम को दोनों को गद्दी से हटाया और अपना राज्याभिषेक कराया और दोनों को कैद कर दिया।
दोनों को कैद कर दिया। और गद्दी पे कौन बैठता है? संभाजी बैठता है। संभाजी कब गद्दी पे बैठता है? 1680 में गद्दी पे बैठता है, 9 साल तक गद्दी पे रहता है, यानी कि 1689 में। अगर संभाजी की बात की जाए, संभाजी व्यभिचारी शासक था, व्यभिचारी था, दुराचारी था, है ना, मद्यपान भी करता था, एक अयोग्य शासक बोला जाता है इसको, है ना। और इन्होंने मतलब बुद्धि की कमी थी, कैसे कैसे बोल सकते हैं आप, इसी के समय में औरंगजेब का जो विद्रोही पुत्र था अकबर द्वितीय, औरंगजेब का विद्रोही पुत्र कौन था? अकबर द्वितीय। अकबर द्वितीय कौन था भाई, ध्यान रखना इसका, अकबर तीन जगह आता है। एक तो सम्राट अकबर तो आप पढ़ते ही, ये भी मान अकबर जो था 1556 में गद्दी पे बैठते हैं, उसके बाद औरंगजेब के पुत्र का नाम भी अकबर था। और एक अकबर कौन सा था? एक अकबर था जब बहादुर शाह द्वितीय, यानी कि बहादुर शाह जफर आप पढ़ते हैं 1857 की क्रांति में, उससे पहले जो 1837 तक, 1807 से 1837 तक जो शासक रहता है वो भी अकबर नाम था उसका, ठीक है, जिसने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी थी। तो तीन अकबर हुए, एक वो 1556 में जो सम्राट अकबर हुमायूं का बेटा बनता है, और दूसरा अकबर औरंगजेब का बेटा, और तीसरा अकबर वो मतलब कि जिसने राजा राम मोहन को राजा की उपाधि दी थी, यानी कि बहादुर शाह द्वितीय से पहले जो गद्दी पे बैठता है वो अकबर, ठीक है। अब गद्दी पे कौन बैठता है? संभाजी बैठता है। संभाजी के समय में ही ये अकबर आता है, इसको ये अपने आप पे संरक्षण देता है। ये औरंगजेब का विद्रोही पुत्र था, दो पुत्र थे औरंगजेब के विद्रोही, औरंगजेब के पांच पुत्र थे, मुअज्जम, आजम, कामबख्श और अकबर और एक मुराद, ठीक है। तो ये जो दो पुत्र थे ये उसके समय में ही मारे जाते हैं, औरंगजेब के समय में विद्रोही पुत्र थे दोनों, है ना। तो ये इसको संरक्षण दे लेता है, संरक्षण देता है। तो औरंगजेब की बात थी भाई, औरंगजेब ने युद्ध करना ही करना था, तो औरंगजेब को आपको पता भी है कि भाई औरंगजेब का ज्यादातर जो समय बीता है वो दक्षिण भारत में ही बीता है। ज्यादातर समय जो औरंगजेब का व्यतीत हुआ कहाँ पे हुआ? दक्षिण भारत में ही औरंगजेब का अधिकतर समय व्यतीत हुआ। और बीजापुर और गोलकुंडे को जीतने के बाद 1686 में बीजापुर को जीतता है, 1687 में गोलकुंडा को जीतता है, और इनको विजय करने के बाद सारा का सारा ध्यान संभाजी पे लगाता है कौन? औरंगजेब। अब संभाजी को पराजित करता है और किले में डाल देता है, वहीं पे इसकी मृत्यु हो जाती है। कब? 1689 में। अब 1689 में जब मृत्यु हो जाती है इसकी, अब बात बनती है भाई उत्तराधिकारी कौन बनेगा, इसका बेटा साहू या राजा राम? इसके बेटे का क्या नाम था? साहू या राजा राम। साहू की उस समय उम्र थी 8 वर्ष, 8 वर्ष, या उसका चाचा राजा राम, राजा राम की उम्र जिस समय 19 वर्ष। तो इसके बाद गद्दी में बैठता है राजा राम, लेकिन किसके प्रतिनिधि के रूप में? इसके प्रतिनिधि के रूप में गद्दी पे बैठता है। हमेशा कभी भी गद्दी पे नहीं बैठता है, बोलता है भाई मैं इसका प्रतिनिधि हूँ और मैं तो इसकी छत्रछाया में काम करता हूँ। किसकी? साहू की छत्रछाया में काम करता हूँ। और जब युद्ध होता है तो उस युद्ध में, ये मुगलों के साथ युद्ध होता है, तो राजा राम को इसकी माता, साहू की माता, छिपा देती है, पीछे कर देती है और खुद युद्ध लड़ती है, और उसमें साहू और साहू की माता कैद कर ली जाती है मुगलों के द्वारा। और तब तक कैद रहती है 1700 साल तक, जब तक औरंगजेब की मृत्यु नहीं होती या मुअज्जम उनको वहां पे मुक्त नहीं करता, ठीक है। तो अब गद्दी पे बैठता है 1689 में राजा राम। ये ऑर्डर आपको याद हो जाएगा इस प्रकार से, है ना, अगर आपने कर लिया तो। आप अगर आप आंसर लिख रहे हैं और पूरा का पूरा मैप भी बना देते हैं ना दोस्तों, तो इसका भी आपको एक्स्ट्रा नंबर मिलेंगे ना। 1689 से 1700 ईस्वी तक कौन गद्दी पे बैठता है? राजा राम। राजा राम 11 वर्ष तक। ये एक योग, मतलब कि हम इसको योग्य सैनिक तो नहीं बोल सकते, लेकिन एक बुद्धिमान व्यक्ति था, है ना, बुद्धिमान व्यक्ति था। दरबार में मतलब षड्यंत्र पूर्ण वातावरण नहीं रखता था, है ना, सभी को मिलजुल कर सभी के साथ कार्य करता था, ठीक है। बस एक सैनिक की ही कमी थी, ये एक योग्य सैनिक नहीं था। और ये 11 वर्ष तक शासन करते हैं, और जो उसके बाद इसकी मृत्यु जब 1700 में हो जाती है, 1700 में मृत्यु होने के बाद गद्दी पे अब यहाँ कौन बैठेगा 1700 में? ये भी बात बड़ी रोमांच की है कि भाई ये तो कैद हो गए साधु, ये साहू और इसकी माता, अब 1700 में गद्दी पे कौन बैठेगा? तो 1700 में गद्दी में बैठता है राजा राम का बेटा, कौन? शिवाजी द्वितीय। शिवाजी द्वितीय गद्दी पे बैठता है, लेकिन वास्तविक शासन जो करती है वो करती है इसकी माता ताराबाई। शिवाजी द्वितीय की माता ताराबाई, यानी कि राजा राम की पत्नी ताराबाई यहाँ पे वास्तविक शासन करती है, ठीक है। अब देखो 1700 में गद्दी पे बैठ जाती है शिवाजी द्वितीय, शासन ही करती है ताराबाई। अब जब 1707 में, इधर 1707 में यहाँ जाओ, 1707 में जब औरंगजेब की मृत्यु होती है, मुअज्जम इनको छोड़ देता है। मुअज्जम छोड़ तो देता है, लेकिन दक्षिण में इनको आपस में भिड़ने के लिए छोड़ देता है। इधर ताराबाई थी, इधर साहू था। 1707 की बात है भाई ये, तो 1707 में जब इनके बीच में युद्ध होता है,
गद्दी के लिए युद्ध होना स्वाभाविक था। युद्ध कौन सा होता है? खेड़ा का युद्ध होता है। कौन सा युद्ध होता है भाई? खेड़ा का युद्ध होता है इन दोनों के बीच में, ठीक है। तो खेड़े के युद्ध में क्या होता है? खेड़े के युद्ध में साहू पराजित कर देता है किसको? ताराबाई को। क्यों पराजित करता है? क्या मुख्य शक्ति थी साहू के पास? जो मुख्य शक्ति थी वो थी इनका जो सेनापति, यानी उस समय तक सेनापति, जो सेना करते का पद दिया था, बालाजी विश्वनाथ। किसके द्वारा? बालाजी विश्वनाथ। साहू के समय में, साहू के दरबार में था। और उसने क्या किया था? जो ताराबाई के दरबार में जो मुख्य, जो कान्हा जी आंगड़े या अन्य जो सैनिक थे, उनको अपनी शरण में ले लिया था। उनको ललकारा था कि भाई ऐसे मुगल नहीं तो हमला कर देंगे, साहू के नेतृत्व में आ गए थे। और ये युद्ध, खेड़ा का जो युद्ध था 1707 में लड़ा गया था, इसमें कौन विजयी हुआ? साहू विजय हुआ। और गद्दी पे साहू बैठ गया 1707 में, ठीक है दोस्तों। और 1707 में शिवाजी द्वितीय नहीं, ठीक है। तो 1707 के बाद की मुख्य घटना, 1708 में ये इसको जो बालाजी विश्वनाथ था इसको सेनाकर्ता का पद दे देता है, और 1713 में बालाजी विश्वनाथ को अपना पेशवा बना देता है, यानी कि प्रधानमंत्री ये महोत्सव पे बना देते हैं। ये तो 1713 में बनाते हैं। तो पेशवाओं को हम एक अलग से ऑर्डर ही पढ़ेंगे सारा का सारा भाई, ठीक है। अभी हम यहाँ पे जो छत्रपति की बात पढ़ रहे हैं कि शाहजी भोसले आया, शाहजी भोसले के बाद शिवाजी आया, शिवाजी यानी कि 1680 में मर जाता है। इसके बाद इसके दो पुत्र होते हैं संभाजी, और संभाजी के बाद राजा राम, संभाजी के बाद राजा राम गद्दी पे बैठते हैं दोनों, है ना। तो राजा राम को हटाकर ये बैठता है, इसके बाद राजा राम, राजा राम के बाद इसकी पत्नी ताराबाई के नेतृत्व में शिवाजी द्वितीय, और शिवाजी द्वितीय के बाद बैठता है साहू 1707 में, और 1749 तक ये गद्दी पर रहता है। 1749 तक ये गद्दी पे रहता है। अब 1749 में क्या होता है? इसके बाद जो गद्दी पे बैठता है वो बैठता है राजा राम द्वितीय। कौन बैठता है? राजा राम द्वितीय। उसके बाद, है ना, उसके बाद ही जो छत्रपति है वो नाचीज होते हैं, उसको हम ऑर्डर से अभी आपको समझाएंगे। तो ये ऑर्डर था, ये ऑर्डर का आपको उसको याद रख लेना है भाई, इसके बाद कौन बैठता है और किसके बाद कौन बैठते हैं। तो अब इन पे विशेष चर्चा करते हैं, इनके ऊपर विशेष चर्चा यहाँ पे दोस्तों करते हैं, देखते हैं कि क्या मुख्य घटना यहाँ पे घटती है। और उनको ये आपने अगर पिक्टोरियल आपने समझ लिया इस प्रकार से, तो ज़्यादा दिन तक आप इसको दोस्तों याद रख पाओगे। अब इसी प्रकार से, जिस प्रकार से आपने ये देखा छत्रपति का ग्राफ देखा, इसी प्रकार से आप पेशवाओं का ऑर्डर भी देख लो दोस्तों। अगर पेशवाओं का ऑर्डर डायरेक्ट आप याद करना चाहोगे कि बालाजी विश्वनाथ, बाजीराव प्रथम, बालाजी बाजीराव, कन्फ्यूज हो जाओगे किसके बाद कौन गद्दी पे बैठता है, कौन किसका पुत्र था, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे आप देखो, सबसे पहले पहला जो पेशवा बनता है वो बनता है दोस्तों बालाजी, बालाजी विश्वनाथ पहला पेशवा बनता है। कब बनता है दोस्तों बालाजी विश्वनाथ पेशवा? 1713 में। 1713 में कब तक रहते हैं? 1719 तक पेशवा रहता है। किसके समय में बनता है बालाजी विश्वनाथ पेशवा? ये बनता है दोस्तों साहू के समय में। किसके समय में बनता है? साहू के समय में। साहू इसको पेशवा बनाते हैं, ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब बालाजी विश्वनाथ के बाद कौन पेशवा बनता है जब 1719 में इसकी मृत्यु हो जाती है? इनके बीच की मुख्य घटना हम बताएंगे, पहले एक बार आप ऑर्डर याद कर लो। इसका पुत्र बनता है, इसका पुत्र का क्या नाम था? बालाजी विश्वनाथ के पुत्र का नाम वो था दोस्तों बाजीराव प्रथम, बाजीराव प्रथम, बाजीराव प्रथम। ये वही बाजीराव प्रथम था जिसने बोला था कि भाई अगर हम मुगलों के तणों पे प्रहार करेंगे तो उनकी जो शाखाएं है वो तो स्वयं से ही गिर जाएगी, मुगलों पे तणों पे प्रहार करो, और यही समय है कि हम हिंदुओं का उद्धार कर सके, हिंदुओं को जो पताका फहरा सके। किसने बोला था? बाजीराव प्रथम ने बोला था। किसको बोला था? ये बोला था साहू को। किसको? साहू को, क्योंकि ये किसका पुत्र था? बालाजी विश्वनाथ। बालाजी विश्वनाथ ये ब्राह्मण थे महाराष्ट्र के, ठीक है। इसको बोला जाता है योग्य पिता, योग्य पिता का योग्य पुत्र, योग्य पिता का योग्य पुत्र बोला जाता है। इसके समय की मुख्य घटना अगर आपको मैं बोलूं एक, कौन सी याद रखनी है आपको बालाजी विश्वनाथ की? वो याद रखनी है दिल्ली की संधि। कौन सी संधि? एक संधि होती है दिल्ली की संधि, और उस संधि को क्या बोला जाता है? दिल्ली की संधि को मराठों का मेघना कार्टा। मराठों का मेघना कार्टा अगर पूछा जाए किस किस संधि के तहत होती है, तो बालाजी विश्वनाथ यानी 1713 से 1719 में ये मराठों का मेघना कार्टा बोला जाता है।
मराठों का मेघना काटा क्यों बोला जाता है? मराठों का मेघना काटा इसलिए बोला जाता है इसको, इस संधि को, 1719 की संधि को, क्योंकि इस समय में जो 1719 में जो मुगल जो बादशाह था वो फर्रुख सियर था। कौन था दोस्तों? फर्रुख सियर था। और उस समय जो सैयद बंधु जो थे, जो किंग मेकर थे, जो बादशाह बनाने वाले थे, क्योंकि उन्होंने ही फर्रुख सियर को गद्दी पे बैठाया था और वो उसको हटाना चाहते थे, क्योंकि उस समय फर्रुख सियर उनके खिलाफ षड्यंत्र रचने लगा था। अब वो डायरेक्ट सैयद बंधु जो थे, जिनमें दो भाई थे अब्दुल्ला और हुसैन अली, तो हुसैन अली तो उसको डायरेक्ट नहीं हटा सकते थे क्योंकि इसके साथ कई शक्तियाँ और मिली हुई थी। तो उन्होंने मराठों का सहायता ली, मराठों की सहायता ली। तो मराठों की सहायता से जब इन्होंने दिल्ली पे आक्रमण किया और उन्होंने फर्रुख सियर की हत्या कर दी, और फर्रुख सियर के बाद रफीउद्दरजात को वो गद्दी पे बैठा देते हैं। तो रफीउद्दरजात को गद्दी पे बैठाते हैं। रफीउद्दरजात इनको बहुत सारा धन और किले और इनको जो चोत और सरदेश मुगी का अधिकार इनको दे देता है दोस्तों, किनको? मराठाओं को, है ना। तो बालाजी विश्वनाथ से संबंधित आपको ये संधि याद रखनी है। 1719 में संधि होती है, जिस संधि को हम दिल्ली की संधि यानी कि मराठों का मैग्ना कार्टा भी बोलते हैं, ठीक है। एक मुख्य घटना थी। अब बात करते हैं बाजीराव प्रथम की, यानी कि इसका बेटा जब 1719 में गद्दी पे बैठता है और 1719 से 1740 तक रहता है। 1740 तक क्या क्या मुख्य घटना इसके समय में घटती है? निजाम के साथ ये दो संधि करता है। निजाम यानी कि हैदराबाद का जो निजाम है, हैदराबाद राज्य की संस्थापना इन्हीं के समय में हुई, 1724 में हुई थी, है ना। तो उसके समय में ये दो संधि करता है, उसके साथ दो युद्धों में उसको पराजित करता है। एक युद्ध था पालखेड़ा का युद्ध 1728 में। तो पालखेड़ा के युद्ध के बाद कौन सी संधि करता है बाजीराव उसके साथ? वो करता है मुंशी शिवगांव की संधि। मुंशी शिवगांव की संधि। और दूसरी संधि जब निजाम अपनी कंप्लीट तौर पे हार नहीं मानता, पूरी पूर्ण रूप से हार नहीं मानता, और दूसरी संधि करता है, मतलब संधि की मतलब कि युद्ध होता है दिल्ली के युद्ध के बाद, इधर मालवा का जो क्षेत्र में युद्ध होता है निजाम के साथ, उसके बाद एक संधि होती है दुर्री सराय की संधि। दुर्री सराय की संधि, ये दो संधि आपको याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट। दुर्री सराय की संधि ये कब कब हुई? ये पहली वाली संधि 1728 में हुई और दूसरे वाली संधि 1738 में हुई। ये दोनों याद रखनी है। दोनों किसके साथ हुई? दोनों निजाम के साथ हुई। दोनों निजाम के साथ हुई। किसकी? बाजीराव प्रथम के साथ, बाजीराव प्रथम की। ये कहाँ पे हुई थी? मालवा में हुई थी, यानी कि भोपाल वाला जो क्षेत्र था ये उसके अंदर हुई थी, ठीक है दोस्तों। दो संधि हमने देखी, मुंशी सिंहगांव और दुर्रई सराय की संधि। और इसके अलावा बाजीराव प्रथम ने गुजरात विजय की अपने भाई के नेतृत्व में, यानी कि चिमनाजी के नेतृत्व में गुजरात विजय की, रुहेलखंड विजय की, और इसके अलावा अन्य कई सारी विजय इसके समय में होती है। और इसके समय में ही बाजीराव प्रथम के समय में वारना की संधि बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। कौन सी संधि? वारना की संधि, जो आपको याद रखनी ही चाहिए, वारना की संधि। ये संधि वारना नदी के किनारे हुई थी, इसलिए इसका नाम वारना की संधि पड़ गया। कब हुई थी वारना की संधि? 1731 में। कब हुई थी दोस्तों? 1731 में वारना की संधि होती है। ये किस किस के बीच में हुई थी वारना की संधि? ये हुई थी दोस्तों इसके साहू के, जो छत्रपति जो साहू था वो संभाजी द्वितीय था उस समय। देखो साहू को जो महाराष्ट्र का जो क्षेत्र मिला हुआ था वो सतारा वाला क्षेत्र मिला हुआ था, और संभाजी को जो क्षेत्र मिला हुआ था वो कोल्हापुर वाला था। आपसी टकराव इनमें होता रहता था, लेकिन इस युद्ध में जब संभाजी को पराजित कर देते हैं छत्रपति ये बाजीराव प्रथम, तो संधि होती है कि भाई अब हम आपके मामले में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, आप सतारा पे शासन करो, हम उधर शासन करते हैं, ठीक है। तो वारना की संधि कब होती है? 1731 में होती है। तो ये तीन चार संधि इसके तौर से मैं मुख्यतः हुई, और इनको आप याद करो। इसके बाद कौन पेशवा गद्दी पे बैठता है? इसके दो पुत्र होते हैं, इसके दो पुत्र है। दो पुत्र कौन कौन से हैं? एक बालाजी बाजीराव, बालाजी बाजीराव, और दूसरा जो पुत्र था वो था रघुनाथ राव, रघुनाथ राव। अब गद्दी पे बैठता है बालाजी बाजीराव 1740 में, 1761 तक गद्दी पे रहता है। ये यहाँ पे जो षड्यंत्र करता, अगर बोला जाए ये षड्यंत्र करता था मराठाओं का, मराठाओं के बीच में मतलब आपस में भिड़ाने वाला, आपस में टकराने वाला, तो वो कौन था? रघुनाथ राव। अब तीसरे नंबर पे गद्दी पे कौन बैठता है? बालाजी बाजीराव गद्दी पे बैठता है। बालाजी बाजीराव को ही हम नाना जी की उपाधि, नाना जी के नाम से जानते हैं। अगर आपसे पूछे भाई नाना जी के नाम से किसको जाना जाते हैं, तो बालाजी बाजीराव को। इसके समय में साम्राज्य का जो विस्तार था इसके मतलब फादर के समय में, उसको ये बढ़ाता है और कई सारी विजय ये करता है। और इसके समय की अगर मुख्य घटना आपको मैं बताऊं तो दो मुख्य घटना है, एक संगोला की संधि और एक पानीपत का तीसरा युद्ध। तो संगोला की संधि कौन सी थी दोस्तों? संगोला की संधि, संगोला की संधि कब होती है?
संगोला की संधि ये होती है दोस्तों 1750 में, 1750 में। अब 1750 में ही बोला गया है कि यहाँ पे छत्रपति जो है वो नाचीज हो गया है और छत्रपति की जगह असली जो बादशाह बन गए हैं वो बन गए हैं कौन, पेशवा। कौन, पेशवा। तो आपसे पूछ लिया जाता है कि भाई संगोला की जो संधि है वो किसके समय में होती है, संगोला की संधि किसके समय में होती है, ये बात आपको विशेष तौर पर दोस्तों यहाँ पे याद रखनी चाहिए। तो संगोला की संधि होती है बालाजी बाजीराव के 1750 में, और उस समय संभा ये कौन बैठता है गद्दी पे, राजा राम द्वितीय। कौन, राजा राम द्वितीय बैठता है। अब ये 1761 तक रहता है, 1761 में इसी के समय में अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण होता है। अहमद शाह अब्दाली भारत में 7 बार आक्रमण करता है और ये 5वां आक्रमण था जब अहमद शाह अब्दाली ने आक्रमण किया, कहाँ पे, पानीपत में, मराठों के साथ पानीपत में। अगर इस युद्ध से संबंधित आपसे कितने सारे फैक्ट आपसे यहाँ से दोस्तों पूछे जा सकते हैं, कैसे, या आपसे ये पूछ लिया जाएगा भाई पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ, तो 14 जनवरी 1761 में पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था। किस किस के बीच हुआ था भाई, समय तो इसका था बालाजी बाजीराव का, लेकिन नेतृत्वकर्ता कौन था उसमें, नेतृत्वकर्ता था इसका बेटा विश्वास राव। कौन था दोस्तों, याद रखना, विश्वास राव उसमें नेतृत्व करता था पानीपत के तृतीय युद्ध में, मराठा होगा। और मुख्य सेनापति कौन था विश्वास राव का, वो था सदाशिव राव। कौन था दोस्तों, सदाशिव राव मुख्य सेनापति था इनकी। जब ये युद्ध होता है, इस युद्ध में मराठों की बहुत बड़ी क्षति होती है और काफी मारे जाते हैं मराठा वहां पे। तो इनकी क्षति के बाद वहां पे जो सरदेसाई साहब है वो बोलते हैं कि, मतलब एक व्यापारी था, एक व्यापारी है वो बोलता है कि भाई मराठों की, मतलब कि दो मोती विलीन हो गए, दो मोती विलीन हो गए, 27 सोने की मोहर लुप्त हो गई, और चांदी और तांबे का तो अंदाजा ही नहीं लगाया जा सकता कि कितनी चांदी और तांबे की, मतलब कि व्यक्ति, मतलब कि यहाँ पे गायब हो गए। ठीक है, दो मोती विलीन हो गए, दो मोती कौन कौन, सदाशिव राय और विश्वास राव, 27 सोने के, है ना, 27 सोने की मूर्ति है ना, तो 27 सोने इसके जो मुख्य सेनापति थे उनकी यहाँ पे दोस्तों चर्चा की गई है। किसकी चर्चा की गई है यहाँ पे, है ना। और इसके बाद अगर बात की जाए 27 इसके, इसकी मृत्यु के, इनकी मृत्यु के बाद बोला जाता है कि भाई इतनी, मतलब कि इतनी बड़ी क्षति हुई कि सारे सारे मुख्य सैनिक जो व्यक्ति थे वो मारे जाते हैं। आपको यहाँ पे एक बात याद रखनी है कि किस मुस्लिम व्यक्ति ने, मतलब कौन तोपखाना कौन संभाल रहा था मराठों की तरफ से, जिसने मराठों का साथ दिया था, क्योंकि यही वह समय था जब मराठों का साथ ना तो यहाँ के जाटों ने दिया था ना ही मुगलों ने दिया था। तो किस मुस्लिम व्यक्ति, कौन मुस्लिम व्यक्ति था, वो था इब्राहिम गारदी। कौन था, इब्राहिम गारदी, इब्राहिम गारदी वह व्यक्ति था। ये मारा जाता है मराठों की तरफ से, सदाशिव राव मारा जाता है, विश्वास राव मारा जाता है। ठीक है, अब गद्दी, ये कुछ समय बाद बालाजी बाजीराव भी मारा जाता है, जो तीसरा जो उस समय वहाँ का जो ये पेशवा हुआ करता है। इसके बाद गद्दी पे कौन बैठता है, वो बैठता है माधव राव प्रथम। कौन बैठता है दोस्तों, माधव राव प्रथम 1761 में। एक बार फिर मराठों का उत्थान इनके समय में होता है और 1772 तक ये गद्दी पे रहता है, लेकिन 1772 में क्षय रोग से, यानी टीवी के रोग से ये मर जाता है माधव राव, और इनको मराठों को पुनः वह धक्का लग जाता है, पुनः का पुनः वह उसी क्षति में पहुंच जाते हैं। इनके बाद तो जेम्स ग्रांट डप बोलते हैं कि इतनी क्षति, इतनी हार तो इनकी, मतलब पराजय तो पानीपत के युद्ध के बाद भी नहीं हुई थी जितनी माधव राव प्रथम की मृत्यु के बाद हुई है। अब इसके बाद इसका भाई, मतलब गद्दी पे बैठता है कौन, इसका भाई गद्दी पे बैठता है वो माधव नारायण राव। वो नारायण राव कौन, नारायण राव गद्दी पे बैठता है एक साल के लिए, 1772 से 73 तक गद्दी पे बैठता है, लेकिन एक साल के बाद यह भी मारा जाता है। अब इसके बाद गद्दी पे एक साल के लिए कौन बैठता है, ये षड्यंत्रकारी यानी कि रघुनाथ राव गद्दी पे एक साल के लिए बैठता है। अब रघुनाथ राव बैठता है, ये मराठों के साथ, उनके साथ संधि भी करता है अंग्रेजों के साथ, वो बाद में, है ना। तो इसको गद्दी से उठाकर, क्योंकि उस समय तक नाना फडणवीस जो था वो मुख्य किरदार में आ गए थे, और नाना फडणवीस किसको गद्दी बैठाते हैं, नारायण राव के बेटे माधव नारायण राव द्वितीय को, माधव नारायण राव द्वितीय को गद्दी पे बैठाते हैं, और इसको ही 1798 तक यहाँ ही रहता है गद्दी पे। और जो अंतिम जो पेशवा बैठता है गद्दी पे वो बैठता है दोस्तों बाजीराव द्वितीय, बाजीराव द्वितीय गद्दी पे अंतिम पेशवा बैठता है,
जो पूना की संधि के बाद जब ये पेशवा ही पद समाप्त कर देते हैं तो ये भी गद्दी से हट जाता है। तो ये मैंने एक चार्ट आपको बताया है पेशवाओं का कि भाई सबसे पहले बालाजी विश्वनाथ बाजीराव प्रथम, उसके बाद बालाजी बाजीराव यानी कि नाना जी के नाम से जाने जाते हैं, तो फिर उसके बाद माधवराव, फिर नारायण राव, फिर रघुनाथ राव, फिर माधव नारायण राव और फिर लास्ट बाजीराव द्वितीय। ये तो एक ऑर्डर था दोस्तों। अब इनकी मुख्य संधियाँ भी आपके यहाँ इस यूनिट के अंदर दी गई है कि कौन कौन सी संधि यहाँ पे होती है दोस्तों, उन संधि को भी आप एक बार देख लीजिए। उन संधि के बारे में भी यहाँ पे चर्चा करनी बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाती है। जैसे एक संधि तो मैंने आपको बताई थी भाई, पुरंदर की संधि 1665 में होती है, वो शिवाजी के समय में होती है, शिवाजी के साथ किसकी, जयसिंह के साथ, शिवाजी और जयसिंह की 1665 में। अब इसके बाद और कौन कौन सी संधि होती है, कुछ संधि, पहले तीन संधि तो मैं आपको बता रहा हूँ, तीन संधि अंग्रेजों की और मराठों के बीच होती है क्योंकि अंग्रेज और मराठों का भी इसमें संबंध दिया गया है। तीन संधि कौन कौन सी होती है अंग्रेजों और मराठों के, क्योंकि तीन युद्ध होते हैं अंग्रेज और मराठों के बीच में, तीन युद्ध होते हैं, तीनों युद्ध में देख बता रहा हूँ आपको, अंग्रेज मराठा युद्ध कब कब होते हैं भाई, पहला युद्ध प्रथम 1775 से लेकर 1782 तक पहला युद्ध चलता है, दूसरा युद्ध चलता है 1802 से 1803 तक, तीसरा युद्ध 1817 में। ये तीन युद्ध अंग्रेजों के और मराठों के बीच में होते हैं। इन तीनों युद्धों के बाद एक संधि होती है, कौन कौन सी संधि होती है दोस्तों, ये संधि आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले युद्ध के बाद होती है भाई सालाबाई की संधि, सालाबाई की संधि पहले युद्ध के बाद होती है यानी कि 1782 में। दूसरी संधि होती है भाई बसीन की संधि, ये कब होती है भाई 1803 में, ये डेट आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये संधि भी है ना। तीसरी जो संधि होती है ये होती है पूना की संधि, ये कब होती है 1817 में। अगर आपसे यहाँ पूछा जाए कि अंग्रेजों और मराठाओं के बीच में अंतिम संधि कौन सी हुई थी, तो अगर बात की जाए पेशवाओं की, तो पेशवाई की जो संधि हुई थी वो 1800 पूना की संधि थी, कब 1817 में। अगर बात की जाए मराठों के साथ, तो मराठों के साथ जो अंतिम जो संधि हुई थी वो 1818 में कौन सी हुई थी दोस्तों, मंदसौर की संधि हुई थी। कौन सी, मंदसौर की संधि हुई थी। मंदसौर की संधि किसके साथ हुई थी, क्योंकि उस समय मराठों का विभाजन जो हो गया था ना होलकर में, सिंधिया में, है ना, इनमें नागपुर के भोसलों में, है ना, सिंधिया भोसले होलकर ये अन्यों में, इनका गायकवाड़ बड़ौदा के गायकवाड़ थे, ग्वालियर के सिंधा थे, है ना, नागपुर के होलकर थे। तो जो मंदसौर की संधि होती है ये अंतिम संधि थी किसके साथ, होलकर के साथ, किसके साथ, होलकर के साथ। ये पूना की संधि के बाद होती है, और पूना की संधि और मंदसौर की संधि के बीच में एक संधि और होती है, ग्वालियर की संधि। ये ग्वालियर में कौन शासन करते थे, सिंधिया। आज भी ग्वालियर में सिंधिया है, आपने नाम सुना होगा ना सिंधिया का, अब ज्योतिरादित्य जो सिंधिया शासन, मतलब अभी तो भाजपा में आ गया है, इससे पहले कांग्रेस पार्टी में था, तो वो सिंधिया वंश का ही चला रहा है। आपने ज्योतिरादित्य इसका राजस्थान में भी नाम सुना होगा सिंधिया का, है ना, वसुंधरा राजे सिंधिया, तो ये वही वंश है जो उस समय का जो चला रहा है, ठीक है दोस्तों। और इसके अलावा अन्य कई सारी संधि, देखो तीन संधि मैंने आपको अंग्रेजों के और मराठों के बीच में बताई कि भाई सालाबाई की संधि, बसीन की संधि और पूना की संधि, है ना। और इसके अलावा जो इनकी आपसी जो होलकर की संधि होती है, गायकवाड़ की संधि होती है, या भोसले की संधि होती है, ये कई सारी संधि बीच में और होती है, जैसे कि राजाघाट की संधि होती है, सुरजी अर्जन गांव की संधि होती है, ये कई अन्य घटना यहाँ पे घटती है दोस्तों, और ये आपको विशेष तौर पर यहाँ पे याद रखनी है, ठीक है। तो पेशवा का ऑर्डर मैंने आपको बताया कि भाई ये अपना पेशवा का ऑर्डर था, ये छत्रपति का ऑर्डर था। अगर आपने ये चीज़ भी, पेशवा ऑर्डर, छत्रपति ऑर्डर, तीन संधि अंग्रेज मराठों के बीच में होती है, अगर आपने ये चीज़ भी आपने याद कर ली दोस्तों, अपने आंसर में मेंशन कर दी, तो आपका इसका एक्स्ट्रा बेनिफिट दोस्तों मिलने वाला है, आप श्योरिटी से मैं इस बात को कह सकता हूँ, ठीक है। आप इसी तरीके से पढ़ते रहिए, और आपको अगर कोई भी चीज़ किसी भी टॉपिक में, पॉइंट में आपको प्रॉब्लम आती है, तो आप कमेंट बॉक्स में दोस्तों जरूर डालना उस बात को, और मिलते हैं इसी क्रम में नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, थैंक्स।